वही लाइटर नोट भाई हम बात करें, चूँकि DCO लाहौर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर तरह के इदारों के साथ काम करना है, हर तरह के लोगों के साथ डील करना है। एज अ फीमेल क्या सोच कर आपने ये पोस्ट क्या सोचा कि अच्छा यार मैं DCO हुआ मैंने ऐसा, क्योंकि आपको उसी तरह से डील करना पड़ता है हर एक को। ये मुझसे सवाल कई लोग पूछते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एज ए फीमेल कैसा लगता है। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी ना, उस वक्त एक दो जगह ये बात हुई कि जी फीमेल्स तो काम नहीं करती, आती हैं बैठती हैं चली जाती हैं, इनके अंदर वो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी नहीं होती। मैंने उस दिन बहुत सोचा, तो देन आई स्पोक टू माई ऑफिसर एंड आई सेड टू हिम कि नेवर ट्रीट मी एज अ फीमेल, आई एम एन ऑफिसर, ट्रीट मी एज एन ऑफिसर। जब मैं ऑफिस में हूँ तो मैं एक ऑफिसर हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि आई एम अ फीमेल, मेरी अपनी कुछ वो हैं लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से बालातर होके करें कि आप बंदा हैं कि आप औरत हैं। जो एज एन ऑफिसर आपको परफॉर्म करना है, यू शुड परफॉर्म। अच्छा साले, कभी कभी होता है ना ऐसा पॉइंट्स आते हैं आपके कि आप कितने आए हाय कहाँ फंस गए यार, ये वाले को पॉइंट आया नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कभी अभी तक नहीं, नहीं, मेरा ये पैशन है, मुझे दिस इज़ माई पैशन। और जब मैंने ये ज्वाइन की थी सर्विस, मुझे लोगों में रह के काम करने का मज़ा आता है, मुझे ज़्यादा लोगों से मिल के, और जब मैं किसी का कोई काम कोशिश करती हूँ कि मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले रहें और मैं किसी का भी काम आ सकूं, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन भी आ, नो डाउट, नो डाउट, तो दिस इज़ माई पैशन। अच्छा, वो अक्सर आपको बहुत दबंग भी होना पड़ता है, कभी बहुत लीनियंट भी होना पड़ता है, तो आपकी असल पर्सनैलिटी भी उसी तरह की है? मेरी असल पर्सनैलिटी भी उसी तरह है, उसी तरह की, मुझे इसलिए कुछ ज़्यादा पोज नहीं करना पड़ता। लवली।